राजस्थान में परिवर्तन यात्रा से पहले वसुंधरा राजे आज देव दर्शन करेगी। चरभुजा श्रीनाथ जी व त्रिपुरा सुंदरी में भी जाएगी। आपको बता दें, प्रदेश में नेताओं की आपसी खेमेबाजी के बीच भाजपा के परिवर्तन यात्रा 2 सितंबर से शुरू होने जा रही है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की मौजूदगी में सवाई माधोपुर के त्रिनेत्र गणेश मंदिर से आगाज के बाद डूंगरपुर, जैसलमेर, हनुमानगढ़ में परिवर्तन यात्राएं निकलने वाली हैं। इसके मद्देनजर प्रदेश के नेताओं के बीच समन्वय और एकजुटता का टास्क लेकर प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह गुरुवार को हालांकि जयपुर पहुंच चुके हैं, यह यात्रा भव्यता से आगाज हो इस नज़रिए से जायजा ले रहे हैं। पार्टी की जनप्रतिनिधियों व पदाधिकारियों से बातचीत भी चल रही है। हर दिन एक यात्रा में बड़ी सभा होगी जिसे केंद्रीय मंत्री, केंद्रीय नेता, प्रदेश कोर कमेटी के सदस्य इसको संबोधित कर सकते हैं। सभी यात्राओं में इन नेताओं को 1-2 दिन के प्रवास भी करने होंगे। भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री भी समय समय पर यात्राओं के अंदर शिरकत करेंगे। इसी बीच पूर्व सीएम वसुंधरा राजे का इन चारों यात्राओं के आगाज के समय शामिल होने का कार्यक्रम तो है, लेकिन इससे पहले राजे जो है शुक्रवार को देव दर्शन यात्रा पर निकल रही हैं। उन्होंने 2013 और 2018 में यात्रा की शुरुआत चारभुजा से ही की थी। अब फिर से वहीं से शुरुआत करना चाहती हैं। जयपुर से वह हेलीकॉप्टर से वहां जाएगी और सीधे चारभुजा मंदिर राजसमंद पहुंचेगी। वहां दर्शन के बाद हेलीकॉप्टर से नाथ द्वारा पहुंचकर श्रीनाथ जी के दर्शन भी करने वाली हैं। इसके बाद त्रिपुरा सुंदरी मंदिर बांसवाड़ा के अंदर भी जाएगी। ऐन वक्त पर राजे के इस कार्यक्रम को लेकर कार्यकर्ताओं में विशेष रूप से चर्चा छिड़ गई है कि आखिरकार परिवर्तन यात्रा से पहले एक दिन वसुंधरा राजे इन्हीं स्थानों पर क्यों जा रही हैं, यह कारण क्या मानते हैं। विश्लेषक भी इस पर कयास लगाए हुए हैं कि आखिरकार वसुंधरा राजे जो है परिवर्तन यात्रा से पहले उन्हीं स्थानों पर एक दिन पहले वहां क्यों पहुंच रही है, क्यों वहां जा रही है। हालांकि पूजा अर्चना करना कोई बुरी बात नहीं है, कोई भी अपने तरीके से धर्म के अनुसार पूजा अर्चना करने के लिए कहीं भी जा सकता है, कोई रोक टोक नहीं है, लेकिन चुनावी साल है और परिवर्तन यात्रा का बीजेपी ने कार्यक्रम बढ़ाया हुआ है, इसलिए लोग सवाल उठा रहे हैं। लोग मन के अंदर यह सवाल लिए हुए हैं कि आखिरकार एक दिन पहले फिर वसुंधरा राजे वहां क्यों जा रही है, क्या वसुंधरा राजे परिवर्तन यात्रा के अंदर शामिल होगी। इस पर भी अभी तक संशय बना हुआ है क्योंकि वसुंधरा राजे की तरफ से कुछ भी नहीं कहा जा रहा है। कहीं यह तो नहीं कि परिवर्तन यात्रा से पहले ही वसुंधरा राजे वहां जाकर आ जाए और फिर परिवर्तन यात्रा के अंदर शिरकत ही नहीं करे। यह भी चर्चाएं चल रही हैं कि केंद्रीय नेतृत्व के द्वारा जिस प्रकार वसुंधरा राजे को जो है किनारे किया हुआ है, उदासीन बनी हुई है बीजेपी वसुंधरा राजे के मामले को लेकर, उनकी तरफ से कोई तवज्जो नहीं देना और वसुंधरा राजे को कमेटियों में नहीं लेना और फिर वसुंधरा राजे की पूछ राजस्थान के अंदर कार्यकर्ताओं के अंदर है, लेकिन केंद्रीय नेतृत्व इसको दरकिनार किए हुए हैं। वसुंधरा राजे और उसके जो परिवर्तन यात्रा को लेकर चर्चाएं शुरू हो रही हैं उसको कांग्रेस पार्टी भी टकटकी लगाकर देख रही है। कांग्रेस पार्टी भी मन ही मन खुश तो हो रही है कि अपने बीजेपी के अंदर अगर इसी प्रकार लड़ाई झगड़ा और मनमुटाव आपस में खींचतान रहे तो कांग्रेस को फायदा हो जाए, इसलिए कांग्रेस लीडर हालांकि अशोक गहलोत स्तर के नेता भी कह चुके हैं कि वसुंधरा राजे को आखिरकार बीजेपी ने पीछे क्यों किया हुआ है। अब सोचने वाली बात है कि कांग्रेस पार्टी अलग चुनाव लड़ेगी, बीजेपी अलग लड़ेगी, फिर गहलोत को वसुंधरा की चिंता क्यों है, उनको पार्टी अपनी संभालनी चाहिए या फिर बीजेपी पर कटाक्ष करना चाहिए, यह भी सबसे बड़ी बात है। जानबूझकर अशोक गहलोत के द्वारा बीजेपी के अंदर फ्रैक्शन पड़े इसलिए इस तरह के बयान दिए जा रहे हैं। बीजेपी के अंदर खाने कुछ ना कुछ चलता रहे और अशोक गहलोत जो जादूगर है
वह अपनी डुगडुगी बजाकर कांग्रेस पार्टी को एकजुटता में लाने का प्रयास करते रहे और बीजेपी में लड़ाई करवाते रहे। यह भी बातें सामने आ रही हैं, बीजेपी पार्टी के द्वारा भी, केंद्रीय नेतृत्व के द्वारा भी अभी तक पत्ते नहीं खोले गए हैं कि वसुंधरा राजे का आखिरकार सियासी रण राजस्थान के अंदर क्या होगा। हालांकि उसके जो समर्थक हैं वे बार बार मांग कर चुके हैं कि वसुंधरा राजे को आगे नहीं लाए तो बीजेपी को नुकसान राजस्थान के अंदर हो सकता है। ऐन वक्तकार अभी विश्लेषण किया जा रहा है बीजेपी पार्टी के द्वारा भी, हो सकता है ऐन वक्त पर जब चुनाव सिर पर आ जाएं तो वसुंधरा राजे को आगे लाने का प्रयास हो सकता है। सर्वे 3-4 बार हो चुके हैं और सर्वे के अंदर जो बातें सामने आएगी, जनता क्या चाहती है, मतदाता क्या चाहते हैं, समर्थक बीजेपी के क्या चाहते हैं, उस पर विचार विमर्श मंथन जोर शोर से हो भी रहा है। और ऐन वक्त पर क्या होता है, क्या वसुंधरा राजे को कमान सौंपी जाएगी, क्या वसुंधरा राजे परिवर्तन यात्रा के अंदर बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेगी, क्या वसुंधरा राजे को राजस्थान की राजनीति के अंदर पीछे धकेला जाएगा या फिर आगे लाने का प्रयास होगा, ये तमाम तरह के सवाल जनता के मन के अंदर है और मीडिया के अंदर भी चल रहे हैं। देखते हैं आगे वसुंधरा राजे के भविष्य का क्या होता है। तो कलम न्यूज को यहीं दीजिए इजाज़त, और जिन श्रोताओं ने, जिन नेताओं ने अभी तक कलम न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वे भाइयों सब्सक्राइब कर लें। चुनाव अब सिर पर हैं, इसी प्रकार की खबरें, इसी प्रकार का विश्लेषण हम कलम न्यूज़ के जरिए लगातार प्रतिदिन अब देना शुरू करने जा रहे हैं। तो गुरुदेव सिंह सैनी को दीजिए इजाज़त, नमस्कार।